नमस्कार, आप देख रहे हो दितराज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूँ पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। देखो, ये ना मामला वैसे तो काफी लंबे समय से चला हुआ है। अशोक कुमार जी ने एक शिकायत करी थी अपने आदरणीय माननीय विधायक देवेंद्र नीम जी की, कि उन्होंने अपने माता जी के नाम पे एक फर्म बनाई और उसमें उन्होंने काम करवाया, लेकिन काम हुआ नहीं तो उन्होंने उसकी शिकायत करी। शिकायत करने के बाद उस पर संज्ञान नहीं हुआ, कोर्ट चले गए। कोर्ट में उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के बाद माननीय विधायक जी ने बार बार लगातार अशोक कुमार जी पर दबाव ये है कि आप इसमें फैसला करो। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई कि यदि वो ईमानदार हैं, उनके किसी प्रकार का घपला नहीं है, घोटाला नहीं है, तो वो ये साक्ष्य कोर्ट में दें। 4 नवंबर की तारीख है, वो जितना प्रेशर यहाँ से अशोक कुमार जी पर लगा रहे इतना माननीय न्यायालय में लगावे, क्योंकि यदि वो साफ है तो उन्हें बिल्कुल 100% वहां अपना साक्ष्य देना चाहिए। हाँ, मैं एक बात पत्रकारों के माध्यम से जरूर कह रहा कि यदि वो वहां साक्ष्य देने में और निर्दोष साबित हुए तो मेरा अशोक कुमार जी से कोई मतलब वास्ता नहीं, लेकिन यदि वो दोषी हैं और दोष सिद्ध होने के बावजूद भी वो अशोक कुमार पे इस बात का प्रेशर बनावे कि आप फैसला कर लो, नहीं तो आप पे झूठे मुकदमे लगवा देंगे, ये करवा दें, तो वो अपने दिमाग में से निकाल दें। एक तो भाजपा सरकार के मंत्री या विधायक को कहते हैं जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम होता है, वो तो मुझे दिख रहा कितना जीरो टॉलरेंस पे हो रहा। 486 करोड़ रुपए में एक रोड का निर्माण हुआ, 1680 करोड़ रुपए कमा लिए उससे, और सन 2038 तक उसका टेंडर है, तो जीरो टॉलरेंस क्या हो रहा। पहले तो सरकारों में नुक कह रहे थे कि भाई सड़क वहां लूट ली, नहर की पट्टी पर लूट लिया, कोई एक आधा पकड़ा भी जा था, फिर दिन में एक आदमी लुटक रहा था, अब तो डंडा घेरा क्या टोल पे, डब्बा सब लूट रहे, जो जीरो टॉलरेंस हो रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले आप पंचायतें कर रहे थे सरकार के विरोध में, आपने बायकॉट भी करा था यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों का, क्या इस मामले में भी इसी तरह की रणनीति अपनाई जाएगी। तो कोई चुनाव तो इसका संबंध नहीं है, वो तो प्रतिनिधि चुन लिया गया, जनता ने इतने विश्वास के साथ उसे प्रतिनिधि चुना, तो उसे तो अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, अपने पद का ध्यान रखना चाहिए। उसे ये कहना चाहिए कि भाई मेरे खिलाफ एक आदमी ने जो शिकायत करी, मैं उसके लिए कोर्ट में जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाऊंगा, अशोक कुमार से मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं, उन्होंने मेरी शिकायत करी, लेकिन मैं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, सच्चा साबित करने के लिए माननीय न्यायालय में जाऊंगा, वहां से जाके साक्ष्य देवे। अगर वो ईमानदारी से सच्चे पाए गए तो उनका पेंडा छूट जाएगा, और भाई कुछ गड़बड़ कर फंसागा इसमें अशोक कुमार। यहाँ पर आप पहुंचे हैं समाज के नाते पहुंचे हैं, फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए। भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ, और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं सब जगह हूँ, और मेरा धर्म है, मैं लोकतंत्र का एक सिपाही हूँ, मेरा धर्म है कि जब हम सरकार बनावे तो सरकार के पक्ष में और सरकार के खिलाफ हमें बोलने का अधिकार है। आप गिरफ्तारी की बात कर रहे थे कि पब्लिक में गिरफ्तारी देंगे, क्या नहीं मान लिया, अगर झूठे मुकदमे की गिरफ्तारी होगी तो फिर मान लगा अशोक कुमार की गिरफ्तारी थोड़ी होगी, फिर तो भाई एक डब्बा हम सब देंगे, हम भी कौन सा घर रह के फिर चैन से बैठे हैं, सब गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी देंगे जब जो मुकदमा सच्चा होगा, झूठे में गिरफ्तारी उसे देनी पड़ेगी जिस पे भाई मुकदमा है। शिकायत करी थी अपने आदरणीय मान्य विधायक देवेंद्र नीम जी कि उन्होंने अपनी माता जी के नाम पे फॉर्म बनाई और उसमें उन्होंने काम करवाया, लेकिन काम हुआ नहीं तो उन्होंने उसकी शिकायत करी। शिकायत करने के बाद उसे संज्ञान नहीं हुआ, कोर्ट चले गए। कोर्ट में उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के बाद माननीय विधायक जी ने बार बार लगातार अशोक कुमार जी पर दबाव ये है कि आप इसमें फैसला करो, अरे इतना माननीय न्यायालय में लगावे, क्योंकि यदि वो साफ है तो उन्हें बिल्कुल 100% वहां अपना साक्ष्य देना चाहिए। हाँ, मैं एक बात पत्रकारों के माध्यम से जरूर कह रहा कि यदि वो वहां साक्ष्य देने में अब निर्दोष साबित हुए तो मेरा अशोक कुमार जी से कोई मतलब वास्ता नहीं, लेकिन यदि वो दोषी हैं और दोष सिद्ध होने के बावजूद भी वो अशोक कुमार पे इस बात का प्रेशर बनाम है कि आप फैसला कर लो, नहीं तो आप पे झूठे मुकदमे लगवा देंगे, ये करवा दें, तो वो अपने दिमाग में से निकाल दे। एक तो भाजपा सरकार के मंत्री या विधायक वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम होता है, क्या वो तो मुझे दिख रहा कितना जीरो टॉलरेंस। तो मैं अशोक पंडीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मानवाधिकार जागृति संगठन। क्या मामला है? मामला आप यहाँ के सत्ता के मौजूदा विधायक देवेंद्र नीम जी का है, जिन्होंने वैसे तो हमारे यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार इतनी अच्छी है, शायद वर्ल्ड में भी इस लेवल की कोई सरकार चल रही हो, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई जनप्रतिनिधि अपने या अपने ब्लड रिलेशन के नाम कोई फर्म बना के कोई ठेकेदारी का काम,
कोई खनन का काम, कोई भूमाफिया के तरीके का काम नहीं करेगा। उसके बावजूद माननीय विधायक जी ने अपनी माता जी के नाम पदम लता नीम के नाम फर्म बनाई। फर्म बनाने के बाद स्वास्थ्य विभाग में लगभग 6 से 7 साल से लगातार काम कर रहे हैं। 50 से 60 करोड़ रुपए के आसपास का बजट मंगाया, बजट मंगाने के पास कोई कार्य नहीं हुआ किसी तरीके का। मैंने उसके खिलाफ मेरी जानकारी हुई, उस सब साक्ष्य लेकर मैं पेश हुआ, मैंने शिकायत की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन मुझे उच्च न्यायालय जाना पड़ा, मैंने उच्च न्यायालय में PIL दाखिल की। दाखिल होने के बाद मेरी PIL एक्सेप्ट हुई। एक्सेप्ट होने के बाद इनके सभी भुगतान रोक दिए गए, सभी कार्य कैंसिल कर दिए गए। कार्य सब कैंसिल होने के बाद 11 तारीख में PIL एक्सेप्ट हुई, 12 के लगभग यहाँ पे ऑर्डर आ गए। जैसे ही इनके संज्ञान में आया कि आपके खिलाफ PIL एक्सेप्ट होगी है और आपके सभी कार्य निरस्त किए जा रहे हैं, इन्होंने तब से और आज तक, पहले आराम से, फिर और ज़्यादा उससे, फिर प्रेशर डाल के मेरा मुकदमे किसी भी तरह का, आप इसे मुकदमे को वापस लो, इसे कैसे भी करें ख़त्म करो, दबाव बनाया जा रहा है लगातार। और उसी कड़ी में 27 तारीख में मेरे खिलाफ 2 फर्जी मुकदमे लिखे भी गए। मेरे साथी, मेरे सब लोग, हम लोग इकट्ठे हुए, कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने जानकारी निकाल ली कि भाई ये बिल्कुल फर्जी मुकदमे हैं, तत्काल प्रभाव से इन्हें खारिज किया जाए, और वो मुकदमे खारिज हुए हैं। लेकिन 2-3 दिन शांति होने के बाद फिर से वही धीरे धीरे वही दबाव मेरे पे बनाया जा रहा है, किसी भी तरह मुकदमा आप वापस लो। देखिए, हम तो सीधी सी बात है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुझे फांसी चढ़ा देंगे। मेरे भी भाई हैं, मेरे बड़े भाई ठाकुर पूरण सिंह हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिले में जो साथ मेरे जुड़े हुए हैं, बहुत लोग हैं जिनके साथ जो अपना हमारा प्यार है, सब साथ हैं। यदि मैं गलत होऊंगा तो मुझे बिल्कुल गलत साबित करें, जो चाहे वो सजा मेरी। और दूसरी बात, अगर उन्हें कोई सफाई देनी है तो अशोक पुंडीर को कहना रोकने का क्या मतलब है? आप जाओ हाईकोर्ट में जाके सफाई दो, 4 नवंबर में तारीख है, आप अपने साक्ष्य इकट्ठे करें और जाके वहां पे पेश कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लियर निकल जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सुरक्षा वगैरह मैंने कप्तान साहब को लगभग 21 तारीख में एप्लीकेशन दी थी कि मेरे और मेरे परिवार को, और कुछ 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको मेरे साथ जोड़ा गया है जबरदस्ती, उनका मेरा कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्यार मोहब्बत है, भाई है मेरे, तो उन लोगों की सुरक्षा के लिए कहा गया था। लेकिन शायद कप्तान साहब कहीं बिजी हैं या क्या कारण है मैं कह नहीं सकता, अभी तक उन्होंने उस पर कोई मेरे तक संज्ञान आया नहीं है, ना मुझे उन्होंने कोई जानकारी दी। ठीक है, हम तो सीधी सी बात है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुझे फांसी चढ़ा दें। मेरे भी भाई हैं, मेरे बड़े भाई ठाकुर पूरण सिंह हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिले में जो साथ मेरे जुड़े हुए हैं, बहुत लोग हैं जिनके साथ जो अपना हमारा प्यार है, सब साथ हैं। यदि मैं गलत होऊंगा तो मुझे बिल्कुल गलत साबित करें, जो चाहे वो सजा मेरी। और दूसरी बात, अगर उन्हें कोई सफाई देनी है तो अशोक पुंडीर को कहना रोकने का क्या मतलब है? आप जाओ हाईकोर्ट में जाके सफाई दो, 4 नवंबर में तारीख है, आप अपने साक्ष्य इकट्ठे करें और जाके वहाँ पे पेश कर दें, मुझे कोई दिक्कत। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।